नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं पुदीना और नींबू का शरबत। बहुत टेस्टी होता है, गर्मियों का मौसम है तो इसके लिए वो ठंडा भी बहुत होता है और हेल्दी भी है ये। तो आइए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। और उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब भी मैं अपनी नई रेसिपी अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन की बेल आपके मोबाइल में बजेगी, तो आप मेरी रेसिपी को फटाफट देख भी पाएंगे और फटाफट कर भी पाएंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, यूं ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बनाते हैं हम नींबू और पुदीने का शरबत। नींबू शरबत बना रहे हैं हम, पुदीना और नींबू शरबत। तो इसके लिए हमें चाहिए नींबू, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार लेंगे। 2 नींबू लिए हैं हमने, पुदीने के पत्ते अच्छे से धो के हमने लिए हैं, और 1 कटोरी लिए हमने ये पुदीने के पत्ते। पाउडर शुगर लिए हमने, आप चाहे तो अपनी रेगुलर जो शुगर यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सेंधा नमक। आइए पहले हम पुदीने के पत्ते अच्छे से पीस लेते हैं। हमने खलबत्ता लिया है, इसमें हम पीसने वाले पुदीने के पत्ते, और इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते और 1/4 टीस्पून सेंधा नमक, और इसे हम इस तरह से पीस लेंगे। हमने पुदीने अच्छे से हमने इसे क्रश कर लिया है, इसे हम बोल में निकालेंगे इस तरह से। हमने इसे निकाल लिया है। आइए अब हम नींबू शरबत बनाते हैं। नींबू शरबत बनाने के लिए हम पहले डालेंगे, ग्लास लिया है हमने, और इसमें डालेंगे हम ये क्रश किया हुआ पुदीना, 1/2 नींबू इसमें हम डालेंगे निचोड़ के इस तरह से। पाउडर शुगर लिए मैंने, अच्छे से फटाफट घुल जाती है इसमें, 2 टीस्पून, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने पुदीने के पत्ते पीसते हुए भी डाले थे, और 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसमें डालेंगे हम पानी इस तरह से, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं हम। ये पाउडर शुगर है, नमक है, और भुना हुआ जीरा पाउडर और नींबू, सब एक साथ अच्छे से मिल के आना चाहिए, और हमारा नींबू का शरबत फटाफट तैयार हो जाता है। ये इसमें डालेंगे हम अब आइस क्यूब डालेंगे, क्योंकि ठंडा शरबत हमें पीना है, इसमें आइस क्यूब डालेंगे। नींबू और पुदीने का शरबत तैयार है, इसमें हम डालेंगे अब आइस क्यूब। ठंडा पीना है हमें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और इसे मैं सर्व करूंगी एक ट्रे में। तैयार है हमारा नींबू का शरबत, और इसे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे इस तरह से। फटाफट बनता है हमारा नींबू और पुदीने का शरबत। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, आप ज़रूर बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तैयार है हमारा नींबू और पुदीने का शरबत। बहुत आसान है, फटाफट बनता है, उतना ही हेल्दी है और ठंडा भी है। तो आप ज़रूर बना के देखिए और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे आप तो मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरी रेसिपी को यूं ही लाइक दीजिए, इन्हें यूं ही शेयर करते रहिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूं ही आशीर्वाद देते रहिए।
और ये मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।